Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priya. सो गाइज़ आज का वीडियो है वो एक हेयर स्टाइल वीडियो होने वाला है, जैसे कि टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे। सो गाइज़ इसमें मैंने अगर आपके साथ फाइव ऐसे हेयर स्टाइल शेयर किए हैं जो कि आप एक सिंगल स्कार्फ से बना सकते हो। स्कार्फ आप जानते हो ना, स्टोल भी नहीं होता, बहुत ही पतला सा मैंने एक स्कार्फ लेकर के मैंने उससे हेयर स्टाइल बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एक्चुअली गर्ल्स की ना प्रॉब्लम होती है सारी लेडीज़ की, कि अगर कोई भी आपको डेली रूटीन में भी और कहीं डेली भी और कहीं बाहर भी जाना है तो भी आपको हेयर स्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि हम कौन सी हेयर स्टाइल बनाएं, बाल ओपन करें या फिर उन्हें बांध के रखें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मैं एक्चुअली पर्सनली ये फेस करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो ही लेकर के आ जाती हूँ, शायद आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। सो मैं एक्चुअली सिंगल स्कार्फ से फाइव ऐसे हेयर स्टाइल आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही ईजी है, दो से तीन मिनट में बन जाने वाले हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको नॉर्मल बॉबी पिन या फिर कह सकते हैं टिक टैक वाली जो क्लिप होती है वो एंड सिंगल रबर बैंड से आप इजिली बना सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एंड गाइस, यू मस्ट बी थिंकिंग ना कि मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। येस, एक्चुअली मेरे प्रीवियस सारी वीडियोज़ में सिंगल एक ही बैकग्राउंड था, तो मैं भी थोड़ा बोर हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं घर का थोड़ा सेटअप करूँ। एंड गाइस, ये मैंने अपने घर का जो सेटअप किया है ना, ड्राइंग रूम बेडरूम सबका, मैंने एक्चुअली काफ़ी चीज़ें DIY करके बनाई हैं, अपने खुद से अपने हाथों से बनाई हैं। अगर आपको मेरा होम टूर भी देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और जितने भी मैंने DIY अपने घर के लिए खुद से बनाए हैं ना, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। लेकिन कमेंट करके आपको बोलना पड़ेगा ना कि आपको देखना है या नहीं देखना है, सो दैट कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का स्कार्फ लिया है, पतला सा, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्रिटी लुक आएगा इसमें। एंड गर्ल्स को पिंक तो वैसे भी बहुत पसंद होता है ना, स्पेशली टीनेज गर्ल्स को। सो पहले सबसे फर्स्ट मैं हेयर स्टाइल में क्या करूँगी, मैं इन्हें अपने फोरहेड के अराउंड रैप करके पीछे से नॉट लगा लूँगी, जैसे कि आप देख रहे हो ना, सिंपल सा लुक है। और अगर आप अपने हेयर्स को आगे रखना चाहते हो, आप आगे कर सकते हो, फ्रंट में कर सकते हो, क्योंकि लड़कियों को खुले बाल ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा समर हो या विंटर है ना, गर्मी हो या सर्दी, उन्हें खुले बाल ही अच्छे लगते हैं। सो इस टाइप से आप हेयर बैंड बनाकर फर्स्ट अपना हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए मैंने सेम स्कार्फ देखा आपने ना, सेंटर से लेकर के मैंने आगे थोड़ा से पार्ट छोड़कर इस तरीके से स्टाइल किया है, और मैं उसे एक ब्रेड टाइप का बना लूँगी, जैसे कि अभी आप वीडियो में आगे देखोगे। एंड बहुत ही प्रिटी लुक देता है, अगर टीनेज गर्ल्स हैं या फिर आप कोई भी ट्राई कर सकता है, आप रिबन ले सकते हो या फिर आप स्कार्फ ले सकते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना हो, और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और आपको कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस, पर्सनली मुझे ये वाला जो सेकंड हेयर स्टाइल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ना, मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। आई रियली लाइक दिस। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए मैंने सेंटर पार्ट ना करके मैंने साइड पार्ट किया, जैसे कि आप देख रहे हो, थोड़ा सा तिरछा पार्ट किया है। और मैंने यहाँ से थोड़ी सी अपनी फ्रिंजेस निकाल ली हैं, और मैं साइड में ब्रेड करने वाली हूँ, ब्रेडिंग बनाने वाली हूँ साइड में। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया है, प्लीज़ मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करो। ये सारे हेयर स्टाइल है ना मिनटों में बनने वाले, मतलब मिनटों क्या, मैं कह सकती हूँ कि विद इन अ मिनट आप ये सारे हेयर स्टाइल आप स्टाइल कर सकते हो। आपको कहीं भी जाना है, एक स्कार्फ लिया, यू आर गुड टू गो।
नेक्स्ट हेयर स्टाइल है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने एक हाई पोनी किया है, फ्रंट से मैंने थोड़ी सी फ्रिंजेस निकाल लिए हैं और मैं एक पोनी करके और इस पर रैप करने वाली हूँ। दो तरीक़ों से स्टाइल करने वाली हूँ। एक तो आप देख सकते हो ना, पुराने ज़माने में जो हीरोइन करती थी ऊपर रिबन लगा के और नो स्कार्फ लगा के और ओपन करके ऐसे छोड़ दिया, एक इस टाइप से आप कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा नहीं अच्छा लगता है तो दूसरा जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप पूरा रैप करके अपनी पोनी में और पिन की हेल्प से आप इसे फिक्स कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। जो लास्ट हेयर स्टाइल है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो इसमें मैं एक बन बनाने वाली हूँ। मैंने सेम पोनी को ही बन में क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हो। सी, मैंने यहाँ पे थोड़े पेन की हेल्प से उन्हें फिक्स कर दिया है और मैं इस पर अपना जो रिबन है, जो मेरा स्कार्फ है, मैं उसे रैप करने वाली हूँ। बहुत ही थोड़े से आप फ्रिंजेस बाहर की तरफ आप साइड में निकाल सकते हो और थोड़ा सा पुल डाउन कर सकते हो अपने हेयर्स को, थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाने के लिए। एंड यू आर डन। सो ये था मेरा लास्ट हेयर स्टाइल, मतलब स्कार्फ के साथ। सो गाइज, ये थे मेरे 5 हेयर स्टाइल जो कि मैंने एक सिंगल स्कार्फ से क्रिएट किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये बहुत ही इजी है, ट्रेंडी भी है। सो अगर आपके पास कोई सा भी कलर का स्कार्फ हो तो आप ट्राई कर सकते हो। यू विल लुक वेरी प्रिटी एंड बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलेंगे। और गाइज, इसमें से आपको इन 5 में से आपको कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।